बिजली चमक के साथ कड़क के साथ मूसलाधार बारिश जौनपुर। बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, हम पहुंच नहीं पाए, सब गल गया। ऐ देखिए कितना तेज चमक रहा है इस समय। देखिए रात का नज़ारा है, बिजली चमक रही है बहुत तेज। मणियाहू में, जौनपुर मणियाहू, तेज गरज के साथ ओलावृष्टि एवं मूसलाधार बारिश। पीके ब्लॉग 86 का कवरेज। ये देखिए क्या नज़ारा है। बहुत तेज चमक रहा है इस समय। ऐ देखिए कितना तेज मूसलाधार बारिश के साथ चमक गरज के साथ ओलावृष्टि जौनपुर मणियाहू। पीके ब्लॉग 86 का कवरेज। ऐ देखिए क्या सुंदर नज़ारा है इस समय। कितनी तेज बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, सड़क पर पेड़ गिर गया है जिसके कारण सिकरारा सीतलगंज रोड जाम। हम वहां तो पहुंच नहीं सकते लेकिन अभी भी पता चला बहुत भयंकर जाम लग गया है वहां पे। पत्थर भी पड़ा यहाँ पे, देखिए किस तरह से चमक रहे हैं, गरज रहे हैं, लगता है इंद्रदेव नाराज हो गए हैं। ज़्यादातर किसानों को दुख है इस समय, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं दिया, खेत की जुताई दिया, गेहूं का बीज डाला उसका पैसा दिया, खाद का पैसा दिया, रासायनिक खाद का पैसा दिया, सिंचाई का पैसा दिया, 4-5 महीने सेवा सत्कार करने के बाद जब फसल काटने की नौबत आई तब इंद्रदेव नाराज हो गए। न जाने क्यों नाराज हो गए, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि फसलें सभी नष्ट हो गई हैं। ऐ देखिए बारिश हो रही है, बताइए फसल पककर तैयार है वो कैसे कटेगा। 3 दिन से रिमझिम बारिश हो रही है, फसल नहीं कट पा रही है और गेहूं की बालियां काली पड़ना शुरू हो गई हैं। गेहूं की बालियां काली पड़ना शुरू हो गई हैं, अगर इसी तरह बारिश हुई तो गेहूं इस साल बहुत महंगा होगा। आज जब अन्नदाता ही परेशान होगा, अन्नदाता ही कुछ नहीं पाएगा तो लोगों को क्या देगा। लोगों के द्वारा अन्नदाता हमेशा परेशान किया जाता है, तो आज भगवान ने भी परेशान कर दिया। बिजली न मिलने पर रात रात खेतों की सिंचाई करता किसान, आज बारिश की वजह से उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं। फसलें नष्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, सोचिए ज़रा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सभी गेहूं की फसलें खराब हो रही हैं इस साल। इस हिसाब से लगता है कि गेहूं अभी तक 30 हुआ था, इससे भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ऐ देखिए बारिश, देखिए जो बारिश हो रही है इसमें कितनी ज़्यादा फसलें सब नष्ट हो गई। सरसों नष्ट हो गया, चना नष्ट हो गया, गेहूं नष्ट हो गया,
बताइए अब क्या होगा। जब किसान के पास ही कुछ नहीं रहेगा तो लोग गौ को क्या देगा। जब अन्नदाता के पास ही अन्न नहीं रहेगा तो लोगों के पास क्या पहुंचाएगा। ज़रा सोचिए, गौर कीजिए, ईश्वर से मनाइए कि बारिश रुक जाए। जिस तरह से आज फसलें बर्बाद हो गई हैं, आने वाले समय में इसी तरह से नस्लें बर्बाद हो जाएंगी अगर किसानों के बारे में नहीं सोचा गया। फेसबुक व्हाट्सएप से सिर्फ इमेज वीडियो डाउनलोड किया जा सकता है, गेहूं की बनी हुई रोटी नहीं, अन्न नहीं डाउनलोड होगा। जब किसान परेशान होगा, किसान त्राही त्राही करेगा तो कौन क्या कहां से पाएगा। दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे लोग। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मार्च अप्रैल में न तो बारिश हो न तो ओलावृष्टि हो, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा न आए। नहीं तो जब किसान ही भूखा मरेगा तो लोगों का पेट कैसे भरेगा। बताइए, ज़रा सोचिए, गौर से विचार करिएगा। जब किसान ही प्रसन्न होगा, अन्नदाता ही प्रसन्न होगा, तो अन्नदाता लोगों को अनाज कैसे देगा। उसके भी घर परिवार हैं, बीवी बच्चे हैं, वह भी अपने परिवार के लिए अनाज इकट्ठा करता है साल भर के लिए, तभी बेचता है, तभी लोगों के पास पहुंचता है। जब उसके पास ही नहीं रहेगा तो क्या होगा। अक्सर देखते होंगे जब रोटियां बनाई जाती है, रोटियां काली पड़ने लगती हैं या रोटियां भी पसीना की तरह पानी छोड़ने लगता है, तो समझ जाइए वह गेहूँ बारिश में भीग गया होगा, गेहूं की बालियां भीग गई होंगी। इसी तरह से उनकी रोटी सही नहीं बन पाती है, काली पड़ जाती है और रोटी बनाने के बाद रोटी से चिपचिपा पसीना निकलने लगता है पानी की तरह। देखिए कैसे चमक रहे हैं इस समय, मानो टूट पड़ेंगे, तबाह कर देंगे धरती को। आज उत्तर भारत पानी की चपेट में, बिजली की कड़क 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 के साथ सब परेशान हो गए हैं। बताइए, देखिए इतनी तेज चमक रही है बिजली, सड़क पर पेड़ गिरा हुआ है, लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सभी लोग अपने घरों में बैठे हैं। जरा सोचिए, जिनके पास घर है वो अपने घरों में बैठे हैं, जिनके पास घर नहीं है वो बेचारे क्या करेंगे। जो सड़क फुटपाथ पे रहते हैं वो कहाँ जाएंगे। जानवर जंगल में इधर उधर भटकते घूमते रहते हैं, बारिश होगी उनके ऊपर क्या बीतेगा। बारिश तो चल जाती है लेकिन पत्थर की मार कोई सह नहीं पाता, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर, चाहे जो भी कोई हो, चाहे वह पत्थर मानव द्वारा फेंका गया हो, चाहे प्राकृतिक द्वारा फेंका गया हो। पत्थर तो पत्थर होता है, जिसको लगता है उसी को पता होता है, बाकी कोई उसका दर्द नहीं समझ पाएगा। हम भी थे कहीं बाहर, बारिश हुई, भागते भागते आए, देखे तो बिनौरी पड़ रही थी अपने गाय को अंदर बांधे। अगर न पहुंचे तो सोचिए ज़रा उन गायों पर क्या होता, वो गाय तो घायल हो जाती, लहूलुहान हो जाती। तो हम सभी किसान भाइयों पशुपालकों से यही कहेंगे, जब भी मौसम ख़राब हो वो अपने घरों के आसपास ही रहें, जिससे कि बारिश होती है तो वो अपने जानवरों को सीधा अंदर बांध दें, अपने बच्चों को अंदर कर दें, क्योंकि बच्चे आम का सीज़न आने वाला है, लोग बगीचों में भागने की कोशिश करेंगे, अगर बगीचों में जाएंगे तो डालियाँ टूटेंगी, वो डालियाँ जब गिरेंगी तो आपके बच्चे के ऊपर क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, किसान दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आप नौजवान हैं, अपने घर परिवार संसार के बारे में सोचिए, जिससे कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आए एक दूसरे का सहयोग करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।